भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं भारत के अरबपति। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत के अरबपति भारत को छोड़कर जाने के लिए क्यों मजबूर हैं। दरअसल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष से 2022 के अंदर ही लगभग 8,000 अरबपति भारतवर्ष को छोड़ चुके हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि भारत में कड़े टैक्स, अमीरों को टैक्स में छूट न देना, और वहीं अधिक टैक्स देने वाले अमीरों को भारत सरकार की तरफ से अन्य सुविधाएं यानी कि जीवन यापन में किसी भी प्रकार की अन्य सुविधाएं ना देना उनके भारत छोड़ने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। वहीं जो भारत के प्रवासी भारतीय जो भारत से चले जाते हैं और विदेश में बस जाते हैं वो भारत को प्रतिवर्ष लगभग 125 बिलियन डॉलर यानी अगर भारतीय रुपये में कहें तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपया भारत को भिजवा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या 2023 के अंदर रही है। समय भारत पिछले 41 वर्ष के सबसे कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस वर्ष भारत केवल 9.8 बिलियन डॉलर का एफडीआई ही जुटा पाया है। तो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विदेश के दौरे थे उन इतने दौरे करने के बावजूद भी भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है और भारत के जो अरबपति व्यापारी हैं वो भारत को छोड़ करके जा रहे हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि हर भारतीय भारत छोड़ दे तो वो विदेश में जा करके अच्छा खासा पैसा कमा पाता है, वहां संघर्ष कर पाता है, परंतु यदि वो भारत में रहकर अपना व्यापार करे तो भारत की जो टैक्स पॉलिसी अभी चेंज कर दी गई है, जैसे कि एमएसएमई जो उद्योग धंधे हैं उन पर भारत सरकार ने बहुत अधिक सख्ती बरतते हुए उनकी जो रियायत है वो बहुत ही कम कर दी है। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि भारत के जो उद्योगपति हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, वो भारत से अपना धंधा बंद करके विदेश में जा रहे हैं जहां उन्हें सुविधा मिल सके। उनका कहना यह होता है कि कम से कम वो विदेश में अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं और लाइफस्टाइल उनका बेहतर हो सकता है, जो कि उन्हें भारत में भारत की सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता। यानी भारत में अभी जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो भारत के जो टैक्स पेइंग सोसाइटी है उसको किस प्रकार से सुविधा दी जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर नहीं चल रही है, बल्कि जातिवाद और सब्सिडी और आरक्षण इस पर चल रही है। और दूसरी जो जनसंख्या है जो टैक्स में उतना हिस्सेदार नहीं होती है, जबकि सब्सिडीज और आरक्षण और फ्री सर्विसेज या फ्री उनको बहुत सारी चीजें जैसे फ्री राशन ये चाहिए होता है उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें ये ऐसा दर्शाना कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो यह भारत की समय की सबसे बड़ी समस्या चल रही है। तो अब देखना यह है कि नई जो सरकार बनी है और जिस प्रकार से नया विपक्ष मजबूत होकर के आया है, क्या भारत सरकार अपना यह झूठ बचा पाएगी कि एफडीआई में भारत सरकार को भारत को अभी 40 वर्ष का लगभग 40 वर्ष का अपना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ करके सबसे निचले पायदान पर इनके 9.8 बिलियन डॉलर पर चला गया है और विदेशी जो भारतीय है इनके भारत के व्यापारी जब भारत छोड़ के विदेश में बस जाते हैं तो वहां से वो 120 बिलियन डॉलर तक का पैसा भारत में भेजते हैं। इसके साथ ही एक और समस्या सामने आ रही है, क्योंकि ये जो पैसा है 125 बिलियन डॉलर रुपया, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि जिसके लालच में ये रुक ना जाए, ये चलता रहे, इसके लालच में भारत सरकार भारत के जो जो प्रवासी भारतीय है जो विदेश में बसते हैं तो उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जो उनके मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं उन पर कोई भी बात नहीं करती है, ना ही भारत सरकार कोई दबाव डालने का प्रयास करती है। जैसे अभी पिछले एक हफ्ते पहले ही कुवैत में बहुत सारे भारतीय जल करके मर गए, यानी जो बिल्डिंग थी उसमें वो रहते थे, बिल्डिंग की जो रख रखाव जो करते थे बिल्डिंग का मालिक, उसकी वजह से इस प्रकार की सिचुएशन बन गई कि बिल्डिंग में आग लग गई और बहुत सारे लोग दम घुटने से और वहीं पर जलकर मर गए। इस तरह की जो घटनाएं हैं या कहीं पर भारतीयों पर हमले होना, उनके साथ बदसलूकी होना, झूठे केसों में उन्हें फंसा देना, इस प्रकार की घटनाएं प्रवासी